हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। काफी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ कुछ रीजन से। और चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल कहाँ कामकाज कर सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर आप देखोगे निफ्टी का चार्ट तो एक जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर एक क्लोजिंग दी है। क्या ये फेक क्लोजिंग हो सकती है या फिर अब इस चैनल को तोड़ के अब मार्केट ऊपर की साइड जाना चाहता है? ये निफ्टी का है वनडे का। और बैंक निफ्टी की बात करें तो नियरली यानी कि आपके वनडे पे रिजेक्शन पॉइंट पे खड़ा है, जो कि आ रहा है करीबन आपका 43,343 के आसपास। देखते हैं किधर क्या मार्केट मूव करना चाहता है। क्या आज जो आज बैंक निफ्टी के अंदर फिर भी तेजी देखी गई है, बैंक निफ्टी के अंदर एक डोजी टाइप बनी है, कोई कुछ नहीं है। और अगर वनडे के लाइन चार्ट पे अगर आप देखोगे तो करेक्शन नहीं हुआ है। करेक्शन अगर जैसे मानो कि भाई गिरता है तो एक एन पैटर्न बनाता है और चढ़ता है तो इस तरह से बना के चढ़ता है, तो एक फिर अगेन एक रिट्रेस लेता है, तो रिट्रेसमेंट जो सीन है वो नहीं हुआ। या फिर अब फर्दर यहाँ से अगेन एक रिजेक्शन खा के इसी चैनल को रेस्पेक्ट करना चाहता है मार्केट, तो देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो आ जाइए 5 मिनट के चार्ट पे। फ्लैट खुलता है और ऊपर की साइड निकलेगा तो हम निफ्टी के अंदर कॉल की पोजिशन पे बैठेंगे। फ्लैट खुल के करीबन 517-578 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम एक हल्की कॉल की, जो कि रिस्की रहेगा, या फिर अगर 17,578 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज प्लस कंफर्मेशन मिलती है तो कॉल की पोजीशन बनाएंगे 17,644 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, आपका ऐसा रहेगा करीबन 17,512 का। और फ्लैट खुल के नीचे आता है, नीचे आके 17,500 का लेवल ब्रेक कर देता है तो हम पुट की पोजीशन बनाएंगे नीचे में 17,476 और 17,400 के टारगेट के लिए। और ऐसा लाभ का रहेगा आज का जो हाई है 17,570 का आपका एसएल रहेगा। अब गैप अप गैप डाउन, गैप अप अगर खुलता है करीबन 17,650 के आसपास तो हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं और एसएल रहेगा। रिजेक्शन कैंडल आइडेंटिफाई हो जाए किसी को तो एसएल रहेगा आपका, एसएल रहेगा 17,665 का एसएल रहेगा और नीचे में टारगेट हो गए आपके 17,500 तक, 17,650 के आसपास मिलेगा तो शॉर्ट करेंगे। और गैप डाउन की पोजीशन में अगर आपके 17,476 के नीचे खुलता है तो भी हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं, ऐसा फिर आपका हो जाएगा 17,520 का और नीचे के टारगेट 17,400 तक के। ये रहेगी निफ्टी की चाल। और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से ट्रेड करें तो ये रिजेक्शन पॉइंट करीबन 41,300 के आसपास आ रहा है। 300 पॉइंट अगर गर्ल गैप अप खुलता है तो फिर हम एक फ्लैट खुल के ऊपर निकले, आज के हाई 41,175 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज हो जाए तो कॉल की पोजीशन 41,350 तक के टारगेट के लिए, 41,300 तक के टारगेट के लिए कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है। और पुट फ्लैट खुल के नीचे आता है तो पुट की पोजीशन कब बनानी है हमें, इस पॉइंट के नीचे, ये करीबन है 40,890, 40,880 के नीचे हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। इसके नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज हो गई तो टारगेट हो जाएंगे आपके 40,800 और दूसरा टारगेट फिर आ जाएगा 40, एक ये भी आ रहा है 40,760 और 40,600 तक के टारगेट के लिए पुट की पोजीशन बना सकते हैं। एसएल फिर आपका हो जाएगा 40,975 का एसएल रह गया फ्लैट खुल के अगर नीचे आता है तो। अब गैप अप गैप डाउन, गैप अप अगर मार्केट खुलता है करीबन 40,300 के आसपास खुलता है तो हम पुट की पोजीशन शॉर्ट करेंगे, पुट की पोजीशन बनाएंगे। किसी को भी आइडेंटिफाई हो जाए रिजेक्शन कैंडल, जैसे ये यहाँ रिजेक्टेड हुई है
ये अगर आइडेंटिफाई होती है तो पुट की पोजीशन एसएल आपका रहेगा 40,375 का एसएल रहेगा, और नीचे के टारगेट आपके 40,41,300 है ये, तो 41,375 के आसपास आता है, तो 41,000 तक के टारगेट के लिए पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है। रिजेक्शन जो है, रिजेक्शन मिल गया तो हो सकता है मार्केट इसको रेस्पेक्ट करे और एक नीचे की साइड अगेन यानी कि 39,000 की तरफ चलता हुआ दिखाई दे, और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हो सकता है ऊपर की साइड का मूवमेंट वापस स्टार्ट हो जाए। तो ये शॉर्ट की पोजीशन, एसएल अगर हिट हो गया तो कन्वर्ट योर पोजीशन इन कॉल, सेम चीज बैंक निफ्टी के अंदर अगर एसएल हिट हो गया तो कॉल की पोजीशन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब सिचुएशन है गैप डाउन, गैप डाउन ना होके 40,880 नीचे होता है, वेट करना देखेंगे, अगर इसके ऊपर आता है तो अगेन कॉल की पोजीशन क्लोजिंग मिल जाए तो, और अगर यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है तो फिर पुट की पोजीशन नीचे की साइड में अगेन 40,600 तक के लिए। कल एक्सपायरी है, थोड़ा स्पेशली ध्यान रख के ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।